नमस्कार, छालनी किचन में आपका स्वागत है। सर्दियों के दिनों में मूंग दाल का हलवा खाना सभी को पसंद होता है, तो हम बहुत ही जल्द से तैयार होने वाला झटपट मूंग दाल का हलवा बनाएंगे। तो आइए हम इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। तो सबसे पहले हमने मूंग दाल को अच्छे से धोकर कपड़े से पोंछ दिया है। एक कप मूंग दाल है, उसके लिए हमें एक कप दूध लेना है और एक ग्लास पानी आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने उसकी जगह पे छोटा ग्लास दूध लिया है। एक कप चीनी है, एक कप घी है, दो चम्मच बेसन, दो चम्मच सूजी और केसर के धागे हैं 5 से 6, 7 से 8 इलायची जिसकी पाउडर की हुई है मैंने, बादाम 10 से 12 है जो कट किए हुए हैं, काजू 10 से 12, किशमिश 10 से 12 और पिस्ता 10 से 12। तो सबसे पहले हम पैन में घी डालकर घी को मेल्ट करेंगे और हम मूंग की दाल को अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। दाल को हमें 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है। तो अभी हमारी दाल अच्छी तरह से भून गई है और आप देख सकते हैं इसका कलर भी गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसे हम ठंडा होने देंगे, फिर जार में डालकर इसको पीस लेंगे। इतना ध्यान रखना है कि हल्का दरदरा ही पीसना है इसको। अब हमारा घी मेल्ट हो गया है, अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले पिस्ता, इनको हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। अब हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं, अब हम इसे साइड में निकालेंगे। अब इसी घी में थोड़ा सा हम सूजी को ब्राउन कलर होने तक अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। सूजी अच्छी तरह से रोस्ट हो गई है, उसकी खुशबू आने लगी है, अब हम इसे साइड में निकालेंगे। अब इसी पैन में हम थोड़ा घी डाल के बेसन को भी अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। इसे भी लो फ्लेम पर ही हमें रोस्ट करना है। अब बेसन भी अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है, अभी हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे भी ठंडा होने देंगे। अब बचा हुआ सारा घी हम मेल्ट करेंगे और अब हम दूध में केसर के धागे डालेंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब घी अच्छी तरह से गर्म हो गया है, अब हम इसमें पिसा हुआ मूंग दाल डालेंगे और अच्छी तरह से इसको हम चलाते रहेंगे। इसमें हम रोस्टेड सूजी डालेंगे। और धीमी आंच पर ही आपको इसको चलाते रहना है। इसमें हम बेसन ऐड करेंगे और इसको चलाते रहेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं मैं इसको चलाती रही हूँ। अब हम इसमें केसर मिलाया हुआ दूध मिलाएंगे। और चीनी भी इसमें ऐड करेंगे।
और एक गिलास दूध हम इसमें ऐड करेंगे। आपको ये चलाते रहना है। अब हम हलवे में हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, किशमिश, और इलायची पाउडर। अभी लो फ्लेम पर हम इसे 10 मिनट के लिए ढक देंगे इसे। तो 15 मिनट हो गए हैं और अब हम देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि अभी ये घी साइड में छोड़ रहा है और हमारा मूंग दाल का हलवा भी अच्छी तरह से पक गया है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।